breaking news. जमात रजा मुस्तफा और बालक मंडल दल की टीम ने बांटा राशन। कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन कर दिया है, जिसको लेकर गरीब मजदूर के सामने रोजी के साथ ही रोटी का संकट भी आ गया है। इसको लेकर सामाजिक व गैर सामाजिक संगठन जरूरतमंदों की मदद में जुट गया है। सामाजिक संगठन बालक मंडल व जमाते रजा मुस्तफा ने जरूरतमंदों को रोज इंद्र सिंह तलेजा, मणिनाथ मंडल महामंत्री, बालक मंडल सेवा दल की तरफ से आज गरीबों के लिए ये राशन की सुविधा कराई गई है। जो हम लोगों ने 20 पैकेट बनवाए उसको पर घर बांटा गया हम लोगों ने। और ये हमारे बालक मंडल सेवा दल के अध्यक्ष मोहन राजपूत जी और उपाध्यक्ष श्री आशु शर्मा जी, सुनील अग्रवाल जी और डॉक्टर प्रवेश आम जी, सबके सहयोग से हमने राशन वितरण किया और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। जिनको जरूरत होगी उन जरूरतमंदों की हम सेवा करेंगे। और जो सामान हमने पैक किया है उसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय की पत्ती, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, तेल, जीरा और बिस्कुट, नमक, ये हम गरीबों की मदद करते रहेंगे जब तक ये वायरस से जो लोग पीड़ित हैं उनकी मदद हम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक। वायरस के कहर से बरेली में मिले 6 मरीजों ने सबको चिंता में डाल दिया है। जहां प्रतिदिन श्री शिरडी साईं सेवा ट्रस्ट बरेली के माध्यम से श्री शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर श्यामगंज में खिचड़ी बनाकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचकर बांटता था, किंतु आज ट्रस्ट को भी मजबूर कर दिया है। सोचने पर अब संभल कर अपना सेवा भाव जारी रखना पड़ेगा। ट्रस्ट को जहां लगेगा कि राशन न रहने से लोग भूखे हैं। प्रतिदिन मंदिर भोजन की व्यवस्था करता है। इस हमारा जो कारीगर है, जो बनाने वाला है, वो सुभाष नगर का है और सुभाष नगर में इस समय कोरोना से कई मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए वहाँ की स्थिति ऐसी है तो उसे हम बुलाते नहीं, तो इसलिए आज हमारे यहाँ बनाने वाला तक कोई नहीं था। तो ये मोहल्ला कोट निवासी क्या नाम है आपका, पप्पू को हमने बुलाया है। पप्पू बना रहे हैं। वहाँ कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में राशन या खाने की व्यवस्था खत्म हो गई है, उनके लिए ये खिचड़ी बनाकर भेजी जा रही है। ये पप्पू बनाएंगे और फिर ये लोग ले जाएंगे वहाँ लोगों को, क्योंकि इस समय बरेली में स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम बरेली में अभी तक तो खाना ले जाते थे, परंतु अब ले जाने की हमारी हिम्मत नहीं है, हिम्मत टूट सी रही है। तो अब हम चाहते हैं कि यहीं से बनाएं और लोगों को जो भूखे और जरूरतमंद है उन्हें तक खाना पहुंच जाए, ये हमारा प्रयास है।